आइए सर हम लोग देखेंगे इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ है आर्ट्स का, हिस्ट्री, हिस्ट्री ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री जो आपका हुआ है उसको हम लोग एक्सप्लानेशन करेंगे। ये 4 तारीख में है, 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है ठीक है। ये देख सकते हैं पुस्तक सेट कोड H है ठीक है, आपका कोई भी सेट होगा तो आप क्वेश्चन सेम रहेगा सर, आप मिला सकते हैं। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप फटाफट मिलाते जाएंगे सर। बोला है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता होगा सर वाराणसी, बहुत सिंपल है वाराणसी। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 2 है निजामुद्दीन औरिया की दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है ना, तो इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज ना, सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्को पोलो। 5 में आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपका 6 में दिया गया है, देखिए फ्रांसिस बुकान कौन था, बुकानन कौन था, तो सर्वेक्षक था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था, तो ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे सर आपको ज़रूर कमेंट करके हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, सिंधु सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था, तो संथालों का ना, संथालों का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर में रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, छबीली, मनु और मणिकर्णिका। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। 11 में है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 में है अकबर के राज में राज व्यवस्था किसके हाथ में था, तो टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। 13 में है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। 14 में आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, 14 में मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक सेकेंड, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय। 17 में है मजम उल बहरीन की रचना किसने की, मजम उल बहरीन की रचना किसने की, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब दारा सिको। 18 में चलेंगे, 18 में है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था, तो 10 वर्ष या तो 14 वर्ष, जो पहले आएगा उसको ऑप्शन मानेंगे ठीक है, उसको आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप 20 में देख सकते हैं लॉटरी कमेटी का गठन कब की गई, तो 1817 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप मिलाते जाएंगे सर ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, आप देख सकते हैं। 22 नंबर महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, कोई यशोधरा नहीं था। 23 देखेंगे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1526 में, आपको पता होगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24 में दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556 में, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हमारी है। नेक्स्ट है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, तो इनमें से सभी मतलब तालाब, कुआं, तालाब और नहर, सभी था इनमें से। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो बाबरनामा ने, बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबर। नेक्स्ट है विजय, क्वेश्चन नंबर 27 है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश हैं, तो संगम वंश, तुलु वंश और सुलु वंश, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में आप देखेंगे विजयनगर की स्थापना
स्थानीय मातृ देवी कौन कौन थी? तो पंपा देवी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो 29 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण देव राय, ये सही है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति प्राप्ति का मार्ग है, कौन मार्ग है हिंदू परंपरा में? तो सभी होगा सर, ज्ञान प्राप्ति, कर्म प्राप्ति, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 31 में आप देखेंगे, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट आप देख सकते हैं इसमें बाबर था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 32, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर नहीं कर सका था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर हैं, कौन है? बाबर हैं। 35 में आप देखेंगे, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब, नहीं आप ऐसे याद रखेंगे, वैसे आलमगीर और वैसे औरंगजेब, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। 36 में आप देखेंगे, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो दस्तूर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दस्तूर। 36, 37 में आप देखेंगे, तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजय विजयनगर से, ऑप्शन नंबर ए सही है ये। नेक्स्ट है 39, आप देख सकते हैं, हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर की स्थापना की? तो 1336 में, आपको पता होगा ये सर, ठीक है। 40 में आप देखेंगे, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में, ये भी एक सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, कौन? तो कबीर। 44 में आप देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? डलहौजी किया था 1853 ईस्वी में, आपको पता होगा सर, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल पूछा है, आपको 100 नंबर आना चाहिए, 100 में 100, लेकिन 85 को बनाना है सर, ठीक है। 85 को आपसे बनवाएंगे ये। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती में है, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1885 में, आपको पता होगा, ए.यू. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, मतलब कि संविधान लागू हुआ था? 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सुरकोतड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। 50 में सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक, कौन किया था? तो अशोक, क्या बोला है कि महाभारत। 52 में आप देखेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई, और सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, कौन? तो महाभारत। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सही है, सिद्धार्थ। वेदों की संख्या कितने हैं? वेदों की संख्या कितने? 56 में आप बताएंगे, वेदों की संख्या 4 है सर, ऑप्शन नंबर बी। और वेदांगों की संख्या 6 है, कई लड़के ये भी मार दिए होंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 आप देखेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है सर। और आपको डेली इसी तरह के वीडियो आपसे मिलेगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? ये ऑप्शन रिपीट है सर, ये क्वेश्चन रिपीट है, अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? 58 में आप बताएंगे, कहाँ गया 58? 58 को, ऑप्शन नंबर बी, अकबर नामा। 59 में है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका इनमें से कौन सा था? तो सभी था सर, ठीक है, कॉर्निस, सजदा और पलंग।
पाए वो सभी था। नेक्स्ट 61 नंबर आप देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा कहाँ, तो राजस्थान में, आपको पता होगा इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये क्या बोलता है स्टेट है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है, 64 में आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल, कहाँ गया इंग्लिश में जाता है तू। 65 में आप बताएंगे, निम्नलिखित 65 दिख रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, प्रमुख आपको बताना है, तो ठीक मारे ये शिव होगा, शिव। नेक्स्ट में आप देखेंगे, अशोक का संबंध किस वंश से है, तो मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है सर पूछा है, आपको 100 में 100 बना के आना चाहिए, लेकिन बनाना तो 50 से गया ना सर। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो कौन है महाभाष्य के लेखक बताइए कमेंट करके हमको। 58 के सी आपका हो जाएगा, हरिसेन, हरिसेन। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस मुगल शासक से था, 69 में आप बताएंगे हमको, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुगल शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, किसको, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। अशोक से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो वीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर, जहाँ सिंपल में लिख दिया है सावरकर, लेकिन इसका नाम है बीडी सावरकर। बीबी घर कुछ कत्ले आम कहाँ पर हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था। 72 के बी आप हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर आप 73 में देख सकते हैं, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई, तो 1869 में खोली गई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई, मुंबई, बम्बई, मुंबई, पहले इसका नाम बम्बई था, अब मुंबई है, ठीक है। आखिर भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इस ये भी पूछ सकता था कि किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर आपको नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, और सिंपल पूछेगा कि भारतीय जनगणना फर्स्ट टाइम कब हुआ, तो 1872 में, उस समय थे किसका था शासनकाल, तो लॉर्ड मेयो का। करो या मारो का नारा किसने दिया था, आप सब जानते होंगे, बूढ़े जी मतलब महात्मा गांधी। 77 में आप देखेंगे, एक सेकेंड, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, फिर है बूढ़े जी महात्मा गांधी, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बुढ़बक ये बी थोड़ी होगा, 1900 ये हो जाएगा 1917 में, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया, क्या था, मोनिया, फर्स्ट बार हम सुन रहे हैं, मोनिया था, मोनिया। 80 में है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया था, 1920, ऑप्शन नंबर ए। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ, 81 में बताना है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ख्वाजे में, तेजियर में, गजनी में, लाहौर में, हमको नहीं पता सर, लेकिन ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। आपको अगर पता था हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो मुंबई और बम्बई एवं मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 में देख सकते हैं, मालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, आपको पता होगा ये। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, 85 में देख सकते हैं, ये कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम। नेक्स्ट ये है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तो 1767 में, 86 का क्या हो जाएगा, तो 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389, आपको भली भांति पता होगा। नेक्स्ट, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, ये रिपीट क्वेश्चन है, गुरु नानक का। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, 89, तो बहादुर शाह जफर, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, एकदम बच्चा वाला सवाल है, 1800
69 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो ने, भारत छोड़ो ये बूढ़ेलाल किया था, महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस 92, देखिए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1938 ईस्वी में बना था, ये गलत है, ठीक है, 1939 ईस्वी में ये त्याग दिए थे, 1938 में बना था। काला कानून किसे कहा जाता है, ये नहीं होगा सर, 1919 अधिनियम नहीं, रॉलेक्ट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1946 में, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946, इसको आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन नंबर डी। 97 में भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर ए। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछेगा तब तो होगा माउंटबेटन, लेकिन ये आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये होगा श्री राजगोपालाचारी, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा सर 100 ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष सिंपल में पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन बन सकता था, एक होता है मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष, एक होता है अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा कहीं पे होता तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बदल देता कि अस्थाई अध्यक्ष या तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सर, आपको आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, आप हमको ज़रूर बताएंगे। इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 30, प्रश्न संख्या 1 से 30 किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है, प्रत्येक 2 अंक का होगा, 50 शब्दों में लमसम, ठीक है, आपको यहाँ से देना है। 30 प्रश्न होंगे इसमें, आपको 15 गो देना है, जो आपको आता है आप उसको दीजिए। 4 इमारतों को समझाइए, ये देना था आपको। 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, नहीं 3 में है भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए, क्यों हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 4 में कार्बन 14 विधि क्या है, इसको आप समझाइए। 5 में विश्व के किन्हीं 4 आश्चर्यों के नाम लिखे, नहीं। नेक्स्ट है 6 नंबर, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखिए, कितना सिंपल है, आप इसको कर सकते थे। 7 में है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, नहीं मुस्लिम लीग द्वारा 7 में है, इसमें नहीं दिखता होगा सर, ठीक है। आइए 8 में है भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताइए। 9 में है मतलब किसी तरह आपको 30 गो है, उसमें से आपको 15 गो आंसर देना है, आपको मिलता मतलब कि 15 to 30 मतलब 30 नंबर आपको मिलता। फिर इधर आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, सब्जेक्टिव में है 31 से 38 तक मतलब कि 8 गो दिया गया है, इसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, आपको मिलता 4 मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन का अंक जो है सो 4 मार्क्स का है, आपको 4 इसी क्वेश्चन से आपको जवाब देना था, आपको मिलता पूरे 20 नंबर। तो आप कितने नंबर लाए सर, हमको आप ज़रूर बताएंगे। आइए अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ हम मिलेंगे आपको।